नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा, कैंसर स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका। आज हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी, जैसा कि इसका नाम बताता है, वो थेरेपी जो कि इम्यूनिटी पे काम करती है। हमारी, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी इम्यूनिटी हमें बाहर की प्रॉब्लम से, इन्फेक्शन से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से और कई अटैक्स से बचाती है। उसी प्रकार इम्यूनोथेरेपी कैंसर के अगेंस्ट भी काम करती है। इसी इम्यून सिस्टम को कैंसर के अगेंस्ट यूटिलाइज किया जाता है इम्यूनोथेरेपी में, यानी कि वो थेरेपी जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और यूटिलाइज करती है कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर को ख़त्म करने के लिए। ये एक प्रकार की कीमोथेरेपी ही होती है, लेकिन इसके कुछ अलग तरीके का काम करने का तरीका होता है। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। कुछ कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन ये इम्यूनोथेरेपी उन इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, कैंसर का इम्यून सिस्टम पे जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको ख़त्म करती है, जिस वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और कैंसर को कंट्रोल करती है। इम्यूनोथेरेपी के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो कि लैब में बनी हुई दवाइयाँ होती हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट को जाके हिट करती है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। फिर कुछ कैंसर वैक्सीन्स होती हैं जो कि इम्यूनोथेरेपी के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। एक पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर वैक्सीन होती है और वो बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके स्पेसिफिक कैंसर को होने से रोकती है। फिर एक आजकल स्पेसिफिक थेरेपी जिसको कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं, उसमें बॉडी के अपने टी सेल्स एक प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। उन टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स को कैंसर एंटीजन के अगेंस्ट चार्ज करके उन्हीं सेल्स को बॉडी में दोबारा चढ़ाया जाता है और फिर वो बॉडी के कैंसर को ख़त्म करते हैं। सो ये एक नई प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है। सो ये अलग डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनोथेरेपीज आज इजीली अवेलेबल हैं और इनके इस्तेमाल से कैंसर पे अच्छा कंट्रोल पाया जाता है। इम्यूनोथेरेपी के सबसे बड़े एडवांटेजेस होते हैं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से डिफरेंट होते हैं, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से कम होते हैं, क्योंकि ये बॉडी के नॉर्मल सिस्टम को अटैक नहीं करता है, और अगर करता भी है तो उसका प्रोपोर्शन काफ़ी कम होता है, लेस देन 5% पेशेंट्स में होता है, और उसकी सीवियरिटी भी काफ़ी कम होती है, यानी वो ज़्यादा स्ट्रांगली अटैक नहीं करता है, हल्का फुल्का करता है, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। एक और इसका डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये होता है कि इससे हमारे जो आउटकम्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। ऐसे काफ़ी स्टडीज हैं जिसमें देखा गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स लंबे समय तक उनका कैंसर कंट्रोल में रहता है, और एक सिंपल इन्फ्यूज़न जो कि हर 14 दिन में या 21 दिन में चल रहा है, जिससे कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो नॉर्मली अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ओवरऑल आज की तरीक में मैं कहूँ तो इम्यूनोथेरेपी एक बून है, एक आशीर्वाद की तरह है, जो कि हम कैंसर पेशेंट्स को रूटीनली एडमिनिस्टर कर रहे हैं और जिससे उनके आउटकम्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ एंड ओवरऑल सर्वाइवल को इम्प्रूव किया जा रहा है। और जानकारी के लिए आप मणिपाल हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।